आने वाले दिनों में फॉग की वजह से ट्रेन की लेट लतीफी खत्म हो सकती है। अब रेलवे की डेवलपमेंट सेल ने त्रिनेत्र नामक ऐसा डिवाइस बनाया है जिससे इंजन ड्राइवर अपने इंजन में ही एक मॉनिटर पर आगे की पटरी और सिग्नल को देख सकेंगे। इस तरह से उन्हें अब ट्रेन की रफ्तार धीमी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सिस्टम को लगाने के लिए इंडियन रेलवे ने कंपनियों की खोजबीन शुरू कर दी है। रेलवे की इस कवायद में कई विदेशी कंपनियों ने भी अपनी रुचि दिखाना शुरू कर दिया है। इंडियन रेलवे के सूत्रों का कहना है कि यह नया सिस्टम ऐसा है जिसमें वीडियो कैमरों और मैपिंग सिस्टम की अहम भूमिका है। दरअसल मौजूदा हालात में फॉग के कारण इंजन में बैठे ड्राइवर को सिग्नल देखने में दिक्कत होती है। सिग्नल रेड है या ग्रीन, इसे देखने के लिए ड्राइवर को ट्रेन की स्पीड कम करनी पड़ती है। जब कोहरा घना होता है तो स्थिति ये होती है कि ट्रेन बेहद धीमी रफ्तार से चलती है ताकि सिग्नल क्रॉस ना हो जाए, क्योंकि अगर सिग्नल रेड है तो आगे एक्सीडेंट का खतरा होता है। रेलवे का कहना है कि सिर्फ फॉग ही नहीं, कई बार तेज अंधड़ और बारिश के बीच पेड़ और खंभे आदि गिर जाते हैं, ऐसे में एक्सीडेंट का खतरा रहता है। लेकिन इस डिवाइस के लगने से इस तरह के खतरे से तो बचा जा ही सकेगा, साथ ही एहतियात के तौर पर ट्रेन को रोकने की जरूरत भी नहीं होगी, बल्कि जब पटरी पर किसी तरह का अवरोध होगा तभी ट्रेन को रोका जाएगा। रेलवे अफसरों के मुताबिक रेडार मैपिंग सिस्टम की मदद से आगे के सिग्नल की जानकारी मिल जाएगी। रेलवे के मुताबिक इस डिवाइस को मैकेनिकल बोर्ड की देखरेख में डेवलपमेंट सेल ने तैयार किया है। अब इसे बड़ी मात्रा में बनाने तथा लगाने के लिए इंडियन रेलवे ने प्राइवेट कंपनियों से प्रस्ताव मांगे हैं। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इसके लिए इजराइल, फिनलैंड, यूएसए और ऑस्ट्रिया सहित कई भारतीय कंपनियों ने रुचि दिखाई है।